Hi, hello, welcome to Unacademy Foundation channel and welcome to 9th Life Daily. So our today's topic is Simultaneous Linear Equation Lecture number 2. अब तक हम Lecture 1 कर चुके हैं और I hope आप लोगों को जो मैंने method बताया था, जो चीजें बताई थी Lecture 1 में वो सब आज आ गई होंगी. अगर अभी तक आपने वो Lecture नहीं किया है, तो सारे बच्चे मेरे जो बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, जल्दी से उसको complete कर लो, क्योंकि वो आप ही के लिए है. है ना. और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं आगे का पार्ट, दैट इज एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड करेंगे हम आज की क्लास में. और बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम ऐप के थ्रू. अगर अभी तक आप कनेक्ट नहीं हुए हो तो जल्दी से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करो. उसके ब्राउजर में tinyurl.com/unacademyfoundation टाइप करो. जैसे ही आप ये लिंक टाइप करोगे, आप कनेक्ट हो जाओगे अनअकैडमी फाउंडेशन ग्रुप से, जहां पे आपके सारे एजुकेटर्स हैं. आप जिससे चाहे उससे कम्युनिकेट कर सकते हो. कोई सजेशन लेना है या कोई सजेशन देना है, कोई स्टडी से रिलेटेड डाउट पूछना है, किसी एग्जाम को कैसे हमें क्रैक करना है, तो वो सारे के सारे आप वहां पे एजुकेटर से कनेक्ट होके कर सकते हो. तो अगर अभी तक आपने ये काम नहीं किया है तो जल्दी से करो. एंड द सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू बच्चे, कि अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा पर्सनलाइज वे में पढ़ाया जाए, आपका रेगुलर बेसिस पे डाउट क्लियरिंग सेशन हो, आपके क्विज भी हो, आपके टेस्ट भी हो, फॉर दैट यू कैन एक्सप्लोर द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म. कैसे करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना है. अगर आप फोन में यूज करते हो तो देन प्लस पे क्लिक करना है. अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज करते हो, unacademy.com/plus टाइप करो. उसके बाद फाउंडेशन एंड NTSC पे क्लिक करना है. देन गेट सब्सक्रिप्शन. वंस यू क्लिक द गेट सब्सक्रिप्शन, देयर आर डिफरेंट प्लान्स. यू कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ द प्लान. 1 month, 3 months, 6 months, 12 मंथ्स, आप जो चाहे वो प्लान सिलेक्ट कर सकते हो. बट इफ यू आर टेकिंग द प्लान फॉर द 12 मंथ्स तो ऑलरेडी बहुत ही रीजनेबल है, क्योंकि जब एक तो रीजनेबल ऑलरेडी है, लेकिन इसमें एक और बेनिफिट है. आप अप्लाई करोगे फाउंडेशन लाइफ कोड और आपको मिलेगा 10% प्राइसेस में स्लैश आउट. आपके जो प्राइसेस हैं वो 15,750 रुपीज हो जाएंगे आफ्टर 10% स्लैश आउट. और मतलब ये 12 मंथ के प्राइसेस हैं. 12 मंथ का पेमेंट इतना है और आप 12 मंथ तक एक्सेस कर सकते हो प्लस प्लेटफॉर्म पे. मल्टीपल एजुकेटर्स आ देयर, मल्टीपल कोर्सेज आ देयर, मल्टीपल टीम, आप जिस चाहे उस कोर्स में एक्सेस कर सकते हो, मल्टीपल टाइम एक्सेस कर सकते हो, एक से ज्यादा कोर्सेज में भी एक्सेस कर सकते हो. जैसे मैथ्स के 4 कोर्सेज हैं तो आप चारों कोर्सेज में एक्सेस कर सकते हो. मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सोशल साइंस, लैंग्वेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, है ना. तो उनकी क्लासेस आप वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो, बाद में देख सकते हो. बहुत ही बेनिफिट होगा, आपको कहीं आना जाना नहीं है, घर में बैठ के पढ़ना है. डाउट क्लियरिंग सेशंस अलग से होते हैं, अपने डाउट वहां पे भेज के क्लियर कर सकते हो. सो एक बार इसको एक्सप्लोर जरूर करना. सो चलो लेट स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लेक्चर नंबर 2. सो लेक्चर नंबर 1 में मैंने तो आपको पहले साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब सिखाया था, फिर मैंने बताया था कि उसको सॉल्व, उसके सॉल्यूशन का मतलब क्या है. फिर मैंने आपको एक मेथड सिखाया था, दैट इज मैंने आपको सिखाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड. सो व्हाट इज द एलिमिनेशन मेथड? अगर दो इक्वेशंस दी जाए लाइक दिस एंड दिस, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशंस बाय सुटेबल नंबर सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल आर न्यूमेरिकली इक्वल. किसी भी एक इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लो, सो दैट किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल बन जाए. इफ द न्यूमेरिकली इक्वल कोफिशिएंट्स आर ऑपोजिट इन साइन, देन एड द न्यू इक्वेशन, अदरवाइज सबट्रैक्ट. अब आपने जो कोफिशिएंट सेम बनाए हैं किसी एक वेरिएबल के, अगर वो सेम साइन के हैं तो उनको कर दो सब्ट्रैक्ट, अगर वो ऑपोजिट साइन के हैं तो उनको कर दो ऐड. तो ऑपोजिट साइन के हैं तो ऐड करोगे तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम साइन के हैं सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो आप जो एक वेरिएबल हट चुका है, सिर्फ एक ही वेरिएबल के टर्म में इक्वेशन बचेगी. उसके बाद आपको करना क्या है? सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑब्टेन इन स्टेप 3 एंड गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल. तो जो एक वेरिएबल बचा है आप उसकी वैल्यू निकाल दो, है ना. अब क्या करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू को सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑब्टेंड इन स्टेप 4 इन एनी ऑफ द 2 इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो. सिंपल है. लाइक सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मेरे पास x + y = 3 दिया है और 2x - y = 1 दिया है. ऐसे मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, तो मैं देख रही हूं या 2x - 3y लिख देती हूं मैं, यहां ये दिया है. तो किसी एक का मैं कोफिशिएंट सेम बनाती हूं, तो लाइक मैं इसका 2 कोफिशिएंट बनाना चाहती हूं, तो मैं इस इक्वेशन को कर देती हूं 2 से मल्टीप्लाई, और इस इक्वेशन में तो जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी 2 है. तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 2x + 2y = 6. अब
मैंने देखा 2x और 2x दोनों सेम साइन के, वो भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इन दोनों इक्वेशन को मैं कर दूंगी सब्ट्रैक्ट। तो जैसे आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, देखते हैं क्या मिलता है। y की वैल्यू आ गई 1। देखो एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, दूसरे वेरिएबल से आप निकाल दोगे, उठा के इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देती हूं, x आ जाएगा आपके पास 2, x2 y1। आपको चेक करना है आपका आंसर सही है या नहीं। x और y की वैल्यू यहां पुट करके देखो, 2 + 1 = 3, 4 - 3 = 1, सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकाल के उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते थे और सिंप्लीफाई करके वहां से भी निकाल लेते थे। तो दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस मेंशन ना हो, बट आपके 9th-10th के क्लासेस में मेंशन होके आता है कि सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन, सॉल्व दिस बाय एलिमिनेशन। ओके, हायर क्लासेस में ये तो नहीं आता, लेकिन किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन इजिली आपके सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इजिली आपके एलिमिनेशन से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस में मूव करते हैं। आई थिंक मेथड समझ आ गया है। सो दिस वन इज द फर्स्ट क्वेश्चन, x + y = 5, 2x - 3y = 4। बहुत ही इजी है। इसी क्वेश्चन में चाहे तो आप x का कोफिशिएंट सेम बनाओ या y का, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैं y का बनाती हूं। तो मेरे पास x + y = 5 दिया गया और 2x - 3y = 4 दिया गया। मैं क्या करती हूँ, y का कोफिशियंट सेम बना लेती हूँ। तो मैं इस इक्वेशन को कर देती हूँ 3 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x + 3y = 15 आ जाएगा एंड 2x - 3y = 4। ये तो है। अब मैंने देखा y का कोफिशियंट सेम बन गया है, लेकिन दोनों ऑपोजिट साइन के है। तो अगर दोनों ऑपोजिट साइन के है तो दोनों इक्वेशन को कर देंगे हम एड। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कर दो एड। तो जैसे ही आप 1 और 2 को एड करोगे तो आपको मिलेगा 3x + 3y = 15 एंड 2x - 3y = 4। आपने जब ऐड किया तो ये दोनों हो गए कैंसिल और ये बन गया आपके पास 5x और ये बन गया आपके पास 19। सो आपके पास x आ रहा है 19/5। एक बार फिर से चेक करो, आपने जब ऐड किया तो 15 है, 15 3 3, ठीक है, 2x - 3y = 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे y निकालना है भाई, x तो निकाल चुकी हूं। तो मैं इक्वेशन 1 उठा लेती हूँ, पहली जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, वहां पे 19/5 + y = 5 हो जाएगा। तो आपका जो y आएगा वो आ जाएगा 5 - 19/5, यानी कि 25 - 19/5, यानी कि यह आ जाएगा आपके पास कितना, 6/5। y आ रहा है आपके पास 6/5। अब आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो दोनों उठा के मैं इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में देख लो, इक्वेशन 2 में पुट करके दिखा देती हूं। तो मेरे पास आएगा 2 × 19/5 - 3 × 6/5। ये आएगा 0, हाँ ये आएगा 0 और यहां पे आएगा आपका 2 - 1 यानी कि 20 by 5 यानी कि 4। सो आपके पास आपका 4 आ रहा है। देखो 4 भी है, भी 4 ही इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। सो हमें पता चल गया कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, क्लियर। सो कैसे किया, जस्ट कोफिशिएंट सेम बनाए और फिर देखा जो कोफिशिएंट सेम बनाए थे वो सेम साइन के थे या ऑपोजिट। अगर सेम साइन के हैं तो उनको कर दो सब्ट्रैक्ट, अगर ऑपोजिट साइन के तो उनको कर दो ऐड। फिर एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, उन दोनों वैल्यूज को अगर आपको चेक करना है तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो कि क्या सही है या नहीं। अगर सही होगा तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, चलो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन दिस वन इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगेन यहां 4x है और यहां 2x है। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से। तो मेरे पास बन जाएगा 4x + 6y = 16 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन तो 4x + 6y = 7 ऑलरेडी है। अब आपको 4x सेम दिख रहा है, लेकिन दोनों के साइन भी सेम दिख रहे हैं, तो दोनों इक्वेशन को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो जैसे ही आप इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको मिलेगा 4x + 6y = 16 और यहां मिलेगा 4x + 6y = 7। अब आपने अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। देखो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो इस केस में आपको इन दोनों के सोल्यूशन नहीं मिल पा रहे, मतलब इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, इन दोनों का कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो आप यहां पे लिख दोगे
नो कॉमन सोल्यूशन एग्जिस्ट, कोई भी कॉमन सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों इक्वेशन का कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये इक्वेशन में दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी, यहां तो जीरो आएगा और यहां पे ऑलरेडी आपके पास नाइन आ जाएगा, तो जीरो इक्वल टू नाइन नॉट वैलिड। तो इस केस में आपको डायरेक्टली लिख देना है कि नो कॉमन सोल्यूशन एग्जिस्ट, जब नो कॉमन सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि दो साइमल्टेनियस इक्वेशन का कॉमन सोल्यूशन हो, अगर वो दोनों लाइंस लाइक सपोज मैंने बोला कॉमन सोल्यूशन का मतलब होता है कि जहां पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, मे बी वो दोनों लाइंस पैरेलल हो, अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो उनका कोई भी कॉमन सोल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करेंगी, तो अगर इनका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल है, पैरेलल है तो नो कॉमन सोल्यूशन, नो कॉमन सोल्यूशन। अगर अलग अलग की बात करूं तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है और इसके भी इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लिया था कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें हो, जरूरी नहीं कि सारे इक्वेशंस के आपके सोल्यूशन निकल आए, अगर नहीं निकल के आ गया तो आपको दिमाग में ये बन जाना चाहिए कि उनका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है, इस लाइन के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस है, लेकिन उनका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है। ओके, सो नो कॉमन सोल्यूशन, समझ आ गई बात। सो चलो वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस वन इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसको सॉल्व करना है। तो मेरे पास वहां पे 11x plus 15y equal to 23 है। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, देखते हैं पहले मैं क्वेश्चन को सही से लिख देती हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इसको 15 से कर देती हूँ, ऐसा कर लेते हैं, है ना, ये 7 से कर सकते थे इसको, इसको 11 से कर सकते थे, कोई फर्क नहीं है। तो जैसे ही आपने किया तो ये आपके पास बनेगी 22x plus 30y is equals to minus 46, a मैंने लिख दी। सेकंड की बात में कट करते हैं, 105x minus 30y equal to 300। सेकंड बी इक्वेशन, अब आपने देखा 30y तो बन गया, लेकिन दोनों ऑपोजिट साइन के भी हैं, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कर दो ऐड। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो 22x plus 30y equal to minus 46 है और 105x minus 30y equal to 300 है। तो जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहां देखते हैं क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है 7, ये 2, 127x is equals to, यहां देखते हैं क्या बन रहा है, ये बनेगा आपके पास 6 में से ये जाएगा 4 और यहां बचेगा आपके पास 9 5 और ये बन रहा है 254। तो x की वैल्यू आपके पास आ रही है 254 अपॉन 127, 2 जा तो x आपके पास 2 आ गया। अब आपको y निकालना है तो आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्सिट्यूट करो, तो मुझे इक्वेशन 2 में मैं सब्सिट्यूट कर दे रही हूं, तो 7 × 2 माइनस ऑफ 2y इक्वल टू 20, तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 20, सो y इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है माइनस 3, y3x2 आपको चेक करना है, आप इस इक्वेशन में पुट करो, ये आएगा 22 माइनस ऑफ 30, एक सेकेंड, हाँ सॉरी 45, सो आपके पास आएगा माइनस 23, देख लो क्लियर, तो सेटिस्फाई भी कर रहा है। सो कैसे किया, सिंपल, आपने कोफिशिएंट सेम बना लिए y के, फिर दोनों में देखा कि दोनों के साइन ऑपोजिट थे तो मैंने दोनों को कर दिया ऐड, अगर दोनों के साइन सेम होते तो दोनों को कर देते सब्ट्रैक्ट, x और y की वैल्यू निकाल दी, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका आंसर सही है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो दिस वन इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एलिमिनेशन से करना है। सो मेरे पास x माइनस 2y इक्वल टू 10 और 4x plus y equal to 30, second equation. तो मुझे देखना है पहले तो किसको मैं सेम बनाऊं, तो मुझे वहां 4x दिख रहा है और यहां y, तो मैं क्या करती हूँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास बन रही है 8x plus 2y equal to 26, second equation. ये 2y plus का है और ये माइनस का है, तो दोनों इक्वेशन में साइन है ऑपोजिट, तो ऑपोजिट साइन मतलब एड, तो दोनों इक्वेशन को आप कर दोगे एड, तो जैसे ही आप 1 प्लस 2 करोगे आपके पास आएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10, 8x प्लस 2y इक्वल टू 26, x की वैल्यू आ रही है 4, 9 4 जा 36,
ओके एक्स की वैल्यू 4 आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दे रही हूं, सो मेरे पास आएगा 4 माइनस 2y इक्वल टू 10, यानी कि 2y इक्वल टू माइनस ऑफ 6, यानी कि y इक्वल टू माइनस 3। सेकेंड x और y की वैल्यू ये आ गई, आपको आंसर चेक करना है, तो 4 प्लस 6 10 आ जाएगा, यहां देखो 16 माइनस 3 13 आ जाएगा, सेटिस्फाई हो रहा है। सो ये दोनों आंसर आपके सही है, यानी कि कॉमन सोल्यूशन 4 कॉमा माइनस 3 है। समझ आ गया कैसे किया? सिंपल, बहुत ही इजी मेथड है एलिमिनेशन बेटा, बहुत ही ज्यादा इजी। आपको सिर्फ रूल्स, आपको जो तरीके मैं बता रही हूं आपको उनको समझना है। किसी एक वेरिएबल का कांस्टेंट सेम करो, कोफिशिएंट सेम करो, फिर देखो जो कोफिशिएंट सेम किया वो सेम साइन का या ऑपोजिट, अगर सेम साइन का है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट साइन का है तो दोनों को ऐड। तो जैसे ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे वो वाला कोफिशिएंट जो सेम किया था वो कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरा बचेगा, उस दूसरे को सिंप्लीफाई करके दूसरे वैल्यू निकाल देंगे, फिर वो वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे। ओके सो चलो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस वन इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिया गया है इक्वेशन, पहले मैं देख लेती हूँ, एक्स बाय टू प्लस टू वाई बाय थ्री इक्वल टू माइनस वन और एक्स माइनस वाई बाय थ्री इक्वल टू थ्री, दोनों इक्वेशन आपको दी गई है बेटा। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप दोनों इक्वेशंस को एक ऐसे ही सॉल्व करो या एलसीएम लेके पहले सिंप्लीफाई करो, तो मैं ऐसे ही सॉल्व करके दिखाती हूँ क्योंकि ये इक्वेशंस इजी हैं। यहाँ 2y by 3 है और यहाँ y by 3 है, तो मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 2x minus 2y by 3 equal to 6, बी इक्वेशन। अब देखो y का जो कोफिशियंट है वो सेम बन गया है दोनों में और दोनों ऑपोजिट साइन के भी हैं, तो अगर सेम है और ऑपोजिट साइन के तो दोनों इक्वेशंस को कर देते हैं ऐड, तो आप इक्वेशन वन और इक्वेशन ए को ऐड कर दो। तो जैसे ही आपने ऐड किया एक्स बाई टू टू वाई बाई थ्री इक्वल टू वन माइनस वन, टू एक्स माइनस टू वाई बाई थ्री इक्वल टू सिक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आएगा एक्स बाई टू प्लस टू एक्स इज इक्वल टू फाइव, यहां से आएगा फाइव एक्स बाई टू इक्वल टू फाइव, यानी कि एक्स की वैल्यू आ रही है आपके पास टू, 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू 2। अब आपको निकालना है y, तो आप इक्वेशन इस फर्स्ट में, पहली इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूं, तो मेरे पास आएगा 1 plus 2y by 3 equal to 1, x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 by 2, so 2y by 3 equal to 0, 1 and 1 cancel, so y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, तो x आ रहा है 2 और y आ रहा है 0, इक्वेशन 1 में पुट करो तो आएगा 1 plus 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 1, एक मिनट साइन का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, साइन का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आ रहा है माइनस 1 आना चाहिए, ये कह रहा है x by 2, हाँ यहां माइनस 1 मैंने नहीं किया, यही मिस्टेक हो गई, सो ये बन जाएगा माइनस 2, यानी कि आंसर आएगा माइनस 3, ये माइनस वन होगा तो माइनस थ्री आएगा, वाई माइनस थ्री एक्स टू, चेक कर लेते हैं। सो आपके पास आएगा वन प्लस, मतलब टू बाई टू प्लस ऑफ टू इंटू माइनस थ्री बाई थ्री, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास वन माइनस टू, यानी कि माइनस वन, सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, टू माइनस वन टू प्लस वन थ्री, एक्स की जगह टू वाई की जगह माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री, सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही आंसर है ना। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, साइन से देखो आंसर गलत हो रहा था और मैंने तुरंत चेक कर लिया क्योंकि मैं ऑप्शन वहां पुट करके चेक कर रही थी। इसी तरह मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, आंसर चेक करना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि आप गलत आंसर करके आओ, सो उसकी वजह से आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो बस एक एंड में कितने 30 सेकंड्स लगेंगे आंसर चेक करने में, सो आंसर जरूर चेक कर लो। ओके चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। सो देखते हैं बेटा, मेरे पास एक क्वेश्चन है ax माइनस by इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नंबर वाली क्वेश्चन नहीं है लेकिन है बहुत ही ईजी। So, मैं क्या करती हूँ, पहले किसी भी एक वेरिएबल का कांस्टेंट सेम कर लेती हूँ, तो y का कांस्टेंट कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, तो वहां b और यहाँ b से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू टू ए बी, दोनों इक्वेशन को मैं कर देती हूँ। अब देखो b सेम है, कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करना है एड, तो मैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कर देती हूँ एड। तो जब आप एड करोगे सो ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू प्लस बी वाई इक्वल टू टू ए बी,
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x कॉमन करोगे तो a प्लस बी आएगा और यहां आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो आपके पास x a प्लस बी आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी, यानी कि x आपके पास आ रहा है 1। x की वैल्यू 1 आ गई, सॉरी 1 नहीं a प्लस बी आ रही है, सॉरी a प्लस बी आ रही है क्योंकि एक a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू a प्लस बी आ रही है, अब आपको y निकालना है। तो इक्वेशन 2 मुझे ज्यादा सिंपल लग रही है तो मैं इसमें पुट कर देती हूँ, तो मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। तो इक्वेशन 2 में x की जगह आप a प्लस बी पुट करोगे, सो आपके पास जो y आने वाला है वो 2a माइनस a माइनस b आने वाला है, यानी कि a माइनस b आने वाला है। सो y ये है, सो x है a प्लस बी और y है a माइनस बी। चेक कर लेते हैं, जैसे ही आप पहली इक्वेशन 2 को चेक करना चाहोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a सेटिस्फाई। इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करके दिखा देती हूँ। सो मेरे पास जब आप इसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस माइनस ए बी एंड प्लस ऑफ बी स्क्वायर। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से भी आ रहे हैं। ओके, सो आप सेटिस्फाई करके भी मैंने आपको दोनों इक्वेशन दिखाई। सो डरना नहीं है, तरीका वही है, चाहे नंबर दिए जाए या ए और बी दिए जाए, पी क्यू दिए जाए, आपको उससे टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, बस कोफिशिएंट सेम बनाने हैं, एड और सब्ट्रैक्ट करना है, कैंसिल करना है, वैल्यू निकालनी है, दूसरी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करनी है, दूसरी वैल्यू निकालनी है, दोनों वैल्यूज को एक ही क्वेश्चन में पुट करके आंसर वेरीफाई कर लेना है, दैट्स इट, इतना सा काम है। ओके चलो, सो दिस वन इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी ए और बी के टर्म्स में है। सो आपके पास क्वेश्चन है बी एक्स अपॉन ए माइनस ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस टू ए बी। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सो मैं क्या करती हूँ, पहले इसको कर लेती हूँ सिंप्लीफाई, है ना, या ऐसा करो, मैंने इससे पहले जो फ्रैक्शन वाली इक्वेशन थी उसको आपको ऐसे ही सॉल्व करके दिखाया था, इसको मैं आपको पहले सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगी, ठीक है, सॉल्व करके। तो मैं एलसीएम ले लेती हूँ, तो मेरे पास यहाँ आएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, एलसीएम ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर भेज दिया। सो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब ये बना दिया मैंने। सो अब मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड। सो मेरा यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ ए है, तो या फिर यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ बी है, तो मैं इस इक्वेशन को कर देती हूँ बी से मल्टीप्लाई, है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्स का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहते हो या वाई का, कोई टेंशन नहीं लेनी, आप कोई किसी का भी बनाओ जो आप इजीली बना सकते हो, यहां पे कुछ इजी की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां तो ए और बी है, तो यहां कुछ भी इजी नहीं है, आप किसी को भी बना लो। ओके, इजी तब आता है जब नंबर्स होते हैं, तो छोटे नंबर से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरे पास ये आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई Equal to minus 2ab square. This is my second equation. So, अब मैं b square तो बन गए और same sign के भी हैं, तो दोनों को कर देती हूँ subtract. तो equation 1 में से equation 2 को जब आप subtract करोगे, तो b square x minus a square y equal to minus ab bracket में a plus b and b square x minus aby equal to minus 2ab square. Subtract करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y कॉमन ब्रैकेट में आएगा ए बी माइनस ए स्क्वायर, यहां पे आएगा माइनस टू माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस टू ए बी स्क्वायर। सो आपके पास आ रहा है यहां पे ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, यहां से y से आप a कॉमन कर लो तो b माइनस ए आ रहा है, और यहां से आप ए बी कॉमन कर लो तो बी माइनस ए आ रहा है। सो आपके पास वाई ए बी माइनस ए इक्वल टू दिस आ रहा है, सो बी माइनस ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, सो आपके पास जो वाई आ रहा है वो आ रहा है कितना, बी, वाई की वैल्यू आपके पास आ गई बी। ओके, वाई आ गया आपके पास बी, अब आपको निकालना है ए, सो आप किसी भी एक इक्वेशन में उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मैं किस इक्वेशन में पुट करती हूँ, मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, इस इक्वेशन में मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ वाई की जगह बी, तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू ए बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये बनेगा आपके पास माइनस ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, एक्स आ रहा है माइनस ए,
एक्स आ रहा है माइनस ए, वाई आ रहा है बी, आंसर चेक करना है। तो मैं पहली इक्वेशन में आपको चेक करके दिखाती हूं, देखो बी बी बाई ए इंटू माइनस ए, एक्स है माइनस ए, माइनस ए बी बाई बी प्लस ए प्लस बी, जब ये करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये इससे कैंसिल हो गया, सो माइनस बी माइनस ए प्लस बी जीरो आ रहा है, और यही तो जीरो ही तो लाना था, सेटिस्फाई हो गया इक्वेशन। ओके, सो आपको आंसर भी मैंने चेक करके दिखा दिया कि कैसे किया है, समझ में आ गई बात। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, आप चाहे फ्रैक्शन के टर्म्स में सॉल्व करो या एलसीएम लेके सॉल्व करो, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा, क्लियर। चाहे इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो या बिना सिंप्लीफाई करे कर लो, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एलिमिनेशन मेथड भी बहुत ही सिंपल है, जैसा कि सब्स्टिट्यूशन था, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं बच्चा, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने किया था, बट डेसिमल की फॉर्म में है। सो लेट स्टार्ट, आपको दिया गया है पहली इक्वेशन, आई एम सो सॉरी, आपको इक्वेशन जो दी गई है वो कुछ ऐसी दी गई है, 0.5x है ना, 0.5x 0.7y 0. डेसिमल की फॉर्म में दिया गया है, तो 0.5x प्लस 0.7y इज इक्वल टू 0.74 फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड 0.3x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 0.5 सेकंड इक्वेशन। मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है और मुझे इन दोनों के लिए x और y निकालना है, तो मैं क्या करती हूँ, यहां देखती हूँ 5 और यहां 3 है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 5 से, तो ये आपका 1.5 और ये अभी आपका 1.5 बन जाएगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या बन रही है, ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी 1.5x प्लस ऑफ 2.1y इज इक्वल्स टू 2.22 पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन भी मैं इसी के नीचे लिख देती हूं, मेरे पास आएगा 1.5x प्लस ऑफ 2.5y इज इक्वल्स टू 2.5, ये बन रही है। मैं दोनों इक्वेशन को कर देती हूँ सबट्रैक्ट, तो ये दोनों हो गए मेरे पास कैंसिल, यहां मेरे पास आ रहा है माइनस का 0.4y, अच्छा यहां पे मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ा तो ये भी कैंसिल सबट्रैक्ट होगा, यहां पे मेरे पास देखते हैं कितना आता है, ये चाहिए तो मुझे मिल रहा है माइनस का 0.28, ये दोनों कैंसिल हो गए। सो वाई की वैल्यू जो मेरे पास आने वाली है वो आने वाली है 0.28 डिवाइडेड बाई 0.4 ऐसा कुछ है ना, तो अब अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो ये हटा दिया मैंने ऐसे, ओके तो अब मैं डिवाइड कर देती हूं, ये आएगा 7 से, ये आएगा 10 से, यानी कि आपके पास आ रहा है 0.7, सो आपके पास जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.7। अब आपको x भी निकालना है, तो x के लिए आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो जो भी आपको ठीक लगे, है ना। सो हम मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, तो जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी तो आ रहा है मेरे पास 0.5x प्लस ऑफ 0.49 इज इक्वल टू 0.74। सो मेरे पास ये आ रहा है 0.5x इज इक्वल टू 0.74 माइनस 0.49। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे सो यहां आएगा आपके पास 5 और ये बचेगा 0.5x। सो x की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो 0.25 अपॉन 0.5 आएगी, यानी कि 0.5। सो x आपके पास आ रहा है 0.5 और y आपके पास आ रहा है 0.7। तो ये आपकी x और वैल्यूज की, y की वैल्यूज हैं, जो कि आपको सिंपल ऐसे करनी पड़ी, बहुत ही सिंपल है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं। करने का तरीका क्या देखा मैंने, मैंने देखा अगर मैं इसको 3 से करती हूँ तो 1.5 यहां बनेगा, 1.5 यहां बनेगा, है ना। अगर आप यहां से 5 से करो और इसको 7 से करो तो भी सेम है, तो y के कोफिशिएंट सेम बनेंगे, आप जिसको चाहे उसका कोफिशिएंट सेम बना सकते हो, इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो, आपके आंसर सेटिस्फाई कर जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही ईजी तरीका बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। सो ये क्वेश्चन आप होमवर्क पे करके आना। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस बच्चे, कि फाउंडेशन लाइव कोड अप्लाई करना मत भूलना, है ना, और जितने ज्यादा हो सके उतने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन पे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बाय।